हेलो, दिस इज मी विहान गोयल फ्रॉम लाफिंग कलर्स. और आज हम लाइव हुए एक बहुत ही स्पेशल इंसान से आपको मिलाने के लिए. जब हम लास्ट टाइम लाइव गए थे तो हमने आपके साथ शेयर किया था भारती जी की शादी का इनविटेशन कार्ड, और आपको किया था अपने साथ इनवाइट. और फिर आपने हमसे पूछे थे सवाल कि क्या क्या डिशेज हो सकती हैं शादी में, कौन कौन संगीत में नाचने वाला है, कौन क्यों परफॉर्मेंस करने वाला है, कौन कौन से सेलिब्रिटी आने वाले हैं. चलिए अब ना इतनी सोच नहीं करते हैं, आपको ना एक काम करते हैं, अपने प्रॉमिस के अनुसार उसी इंसान से मिला देते हैं जो शादी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको सब कुछ पता है. क्योंकि आज हमारे साथ लाइव हैं लाफ्टर क्वीन ऑफ इंडिया भारती सिंह जी. कैसी है भारती जी? How are you? मैं बहुत अच्छी हूँ यार. कितना लंबा बोल दिया मेरे बारे में. जिनकी शादी का कार्ड और ये वो, लाइव हुई हूँ, बहुत गालियाँ खा के घर से कि. लेकिन लाफिंग कलर से एक बहुत पुराना रिश्ता है. जब नया नया शुरू किया था तो इनके साथ बहुत सारे शोज़ किए, अभी भी करती हूँ. लेकिन ये वाला लाइव जाने के लिए घर से थोड़ी गालियाँ खानी पड़ी, क्योंकि शादी को अभी 5-7 दिन बचे हैं और मैंने बोला मुझे नहीं जाना है लाफिंग कलर पे लाइव होने, क्योंकि बहुत सारे फैंस, बहुत सारी ऑडियंस लाफिंग कलर के साथ जुड़ी हुई हैं. और 30 मिलियंस पहुँच गए यार अब लोग तो. पेमेंट हमारा नहीं बढ़ाया, आपका बढ़ गया सब. खैर, थैंक यू सो मच गाइज. और बहुत सारी विशेज आती हैं शादी के लिए कि बहुत बहुत बधाई, थैंक यू सो मच. और बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग भी होते हैं जो मुझे बोलते हैं कि तुम थोड़ी पतली हो गई हो, तो तब मुझे बहुत खुशी होती है. एक बार नहीं इसने बोला आप सच्ची में बहुत पतली हो गए हैं. कसम खाओ. कसम किसकी? मम्मी कसम. मम्मी की असली होती है. मम्मी की ठीक है. और आपने बोला कि शादी में कुछ ही दिन बाकी है, कैसा महसूस कर रही हैं? हाउ यू फीलिंग? कैसा लग रहा है? मतलब शादी हो रही है, लोग बोलते हैं यही बातें और शादी. और इससे पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले बिग बाजार में आटा चावल खरीद रही थी, फिर एक आंटी बेचारे मुझे बोलते तुम्हारी तो शादी है ना. मैं कहा जाके रेस्ट करो, थोड़ा सवारो अपने आप को. मैंने बोला आंटी पेट सवारना पहले होता है, फिर बाकी चीज़ें बाद में. खैर, लोग बोलते हैं कि फीलिंग्स कैसी आ रही है. सच्ची बोलूँ माँ कसम, फीलिंग अभी आ ही नहीं रही, क्योंकि इतना सारा काम बाकी है. और गोवा में शादी का डेस्टिनेशन शादी है, तो हमको चप्पल से लेके सुई तक लेके जानी है खुद. और रोज़ मम्मी सारे सूटकेस खोल देती है, कपड़े उलटाती है. मम्मी का यही, अरे वो तेरा नहीं आया, इसका जूता कहाँ, इसकी बाली का. तो मतलब रोज़ सुबह लोग बोलते हैं कि, वैसे मैं नॉर्मली 10-12 बजे उठती हूँ जब शूटिंग नहीं होती, लेकिन इस बार शादी के दौरान मैं 7 बजे उठ रही हूँ, क्योंकि इतना शोर घर में होता है. मुझे ऐसा लगता है मैं किसी मच्छी मंडी में सो रही हूँ. मतलब घर जाओ तो, जैसे आपने मेरा गुस्से वाला वीडियो भी देखा होगा, घर जाओ तो ऐसे लगता है कि दरभंगा स्टेशन में सारे, मतलब वो होते हैं ना कि जिनकी ट्रेन लेट होती है, घर में पूरे गद्दे गद्दे ऐसे ऐसे निकल के जाना पड़ता है कि कोई किसी का पैर नीचे ना आ जाए. सबको एक सपने भी एक जैसे आते हैं, उनको आते हैं हाय मेरा ये नहीं है. फिर कुछ इतने रिश्तेदार ऐसे प्यारे प्यारे आए हैं, बदतमीज तो नहीं कहेंगे, मतलब है वैसे ही, लेकिन मॉल दिखा के लाओ ना. मॉल में क्या दिखाऊँ मैं, मेरे को ये नहीं समझ आता. मॉल में, मॉल से जूहू बीच जाना है, उनको नहीं पता कितना कचरा तैर रहा होता है. फिर वो कहते हैं बच्चन साहब के गए उधर चले घर, मतलब उनको लगता है कि शॉल लेके खड़े ही होंगे वो. परंपरा प्रतिष्ठा वो बोल ही रहे होंगे बाहर, अरे चलो ना बच्चन साहब के घर चले, इधर चले. इतना इरिटेट हो रहे हैं. लेकिन अभी बेचारे वो पंजाब से पहली बार आए मुंबई, तो मैं जैसे मलाड़ में रहती हूँ, समुंदर तो दिख ही नहीं रहा. तो मतलब क्या हर जगह से थोड़ी समुंदर दिखेगा, जाना पड़ता है. फिर आधे मॉल जाके घूम के आए यार, थक गए यार. फिर मैं जुहू बीच भी लेके गई थी, मैं कहा चलो ले आ जाती हूँ पाव भाजी, मैं गाड़ी में बैठूँगी पाव भाजी वगैरह खिला दूँगी. जब तक जुहू बीच आना था, क्योंकि मेट्रो बन रही है, इतनी ट्रैफिक है, सारे सो गए, कोई नहीं उठा पता. और जब तक जुहू पहुँची तब तक अंधेरा हो गया था, पानी तो दिख ही नहीं रहा. अब इसमें मेरी क्या गलती, पानी नहीं दिख रहा. तो मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई स्कूल चला रही हूँ और बच्चे घुमाने लेके जाती हूँ. फिर मैं बोलती हूँ कि अरे मेरा लहंगा अभी आने वाला, वो छोड़ मेरी पेटीकोट, उसका क्या मतलब, पेटीकोट जरूरी है, लहंगा जरूरी नहीं है भाई. लेकिन इन चीज़ों का बहुत मज़ा आ रहा है. और बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं, बहुत सीधे से हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं चलता. उनको लगता है हम तैयार हो जाएं बाकी हो जाएगा, और उनको लगता है कि अरे यहाँ पे सच्ची में सब्जी लेने चले, तो शायद लोग बोलते ना कि अरे वहाँ तो मतलब आर्टिस्ट ऐसे सब्जी लेते घूमते हैं जैसे बोल देते हैं, तो उनको लगता है सब्जी लेने भी गएंगे तो 3-4 उधर भी मिल जाएंगे, आलू वालू खरीद रहे होंगे. तो बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं. और लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है. जब मैं सारा दिन कोई फीलिंग नहीं आती मुझे शादी की, लेकिन जब रात को 11-12 बजे बेड पे लेटती हूँ, फिर मुझे ऐसे लगता है कि हाँ. फिर जब मैं लेटती हूँ तब भी कहाँ आराम आता है, बाहर ढोलकी बज रही होती है, ढक ढक सारे गा रहे होते हैं, मतलब इतनी एनर्जी.
मैं वैसे मैं फिजिकली तो नहीं लेकिन मेंटली बहुत थक गई हूँ, इसीलिए शादी के बाद 1 महीने के हनीमून पे जा रही हूँ। इसमें क्या सुनने वाली बात नहीं है। हनीमून अच्छी चीज़ नहीं होती, नॉर्मल हो गया ना, बहुत अच्छी चीज़ होती। मैं किसी का फोन नहीं उठाऊंगी। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा था, आपने लहंगे की बात करी, कितना टाइम लगा लहंगा शॉपिंग करने के लिए, कितने सारे लहंगे रिजेक्ट हुए? लहंगे पे तो बहुत लंबी कहानी है। जो मैंने सोचा था लहंगा वो बन नहीं पा रहा था वैसा, मुझे चाहिए था कि बोलते थे कि अरे घोड़े हाथी बारात करते हैं, मैंने बोला नहीं यार बहुत सारे लोग ये चीज़ें करते हैं, मैं ब्राइड हूँ तो मुझे लहंगे पे ब्राइड चाहिए। तो मैंने अलग अलग कंप्यूटर से ब्राइड्स निकाली, पेंट हुआ उसके ऊपर, वर्क हुआ, मतलब मेरे को लग गए 3 महीने, अभी भी चल रहा है काम। ये वो बिल्डिंग है जो मतलब होता ना पैसे दे दिए होते तो लास्ट में बुकिंग मिलती है, ये वो है। देखो हर्ष का फ़ोन भी आ गया। हाँ बेबी। मैं कुछ नहीं, मैं इस वक्त हर्ष आप सबके जीजू मेरे साथ फ़ोन में है, मैं लाफिंग कलर के पेज पे लाइव हूँ तो अभी मैं कह भी नहीं सकती। खैर मैं तुमको अभी वीडियो कॉल करती हूँ। हर्ष मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं अपने जी नहा रहे हो तुम? नहीं क्यों? अच्छा सॉरी, जीजू जिम में है, मैं थोड़ी देर बात करती हूँ। बहुत पका था ये, कोई नहीं अभी तो सारी उम्र पकाएगा। खैर और बस हर्ष भी थोड़ा सुन है, और लोग पूछते हैं कि इतनी सारी तैयारियाँ की, हर्ष ने कितना साथ दिया, तो मैं बोलती हूँ जितनी भी मैंने तैयारियाँ की, चाहे वो गोवा से लेके शादी तक ये वो सब, मतलब कि हर्ष ने एक पैसे का साथ नहीं दिया। अरे जाता ही नहीं कहीं पे, कहीं बोलना हर्ष रिंग लेनी है, पैसे ले ले, कार्ड ले ले, मेरे को मत बोल, ये करना है, हर्ष मेरा लहंगा बन गया, तेरी शेरवानी मैच कर लेना जो भी, मतलब उसको 3-3 घंटे बाद बोलना पड़ता शादी है, मतलब उसको आएगा भी कि नहीं है पता नहीं अभी, पर मैंने काफ़ी हैंडसम लड़के बुलाए हुए हैं, नहीं आएगा तो फिर किसी और का भी चांस लग सकता है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूं। किसके लिए? अपने लिए, मेरे चांस। अच्छा चांस के लिए। अच्छा वो सुन लिया ना 1 महीने का हनीमून इसके लिए। अच्छा तो आप दोनों मिले कैसे? How did you first meet? कॉमेडी सर्कस के सेट पे मिले थे, वो राइटर थे और मैं तब नई नई लाफ्टर चैलेंज खत्म करके आई थी, तो मैं भी बड़ी डरी सी गांव की देहाती, और वो भी बेचारा पहला राइटर, तो वो बेचारे की किस्मत ऐसी ख़राब थी कि जब भी वो किसी की स्क्रिप्ट लिखता था वो आउट हो जाता था, बड़े बड़े लोगों की लिखी आउट हो गए, फिर मुझे बड़ा तरस आया। होता ना किसी का काम बन रही होता तो हम कहते चल मैं, मैंने बोला आप मेरी लिख दीजिए, नहीं मैम आप, मैम थी पहले मैं, नहीं मैम आप भी आउट हो जाएंगी, तो मैंने मैंने बोला मैं बड़ी कॉन्फिडेंट कि मैं कैसे आउट होंगी, मैंने बोला आप लिखो मैं आउट नहीं होंगी, और सच में उन्होंने लिखी और मैं आउट हो गई। मैं आउट हो गई, तो मैम का मेम साहब हो गई होंगी ना, मतलब मेम साहब हो तो मालकिन बन गई अभी। बस फिर हम जैसे आउट हुई सुबह वाले एपिसोड में, शाम वाले एपिसोड की भी उसने लिखी थी, मैं उसको देखी, मगर फिर आउट करा दो दो बार, ये पहली बार कोई आर्टिस्ट होगा एक दिन में 2 बार आउट हुआ। तो पहले एपिसोड में सुबह आउट हो गई, शाम को वाइल्ड कार्ड में अंदर जाना था, तो उनकी स्क्रिप्ट परफॉर्म की तो मेरे को 10-10 और स्टैंडिंग ओवेशन मिली, मतलब वो कारवा जो हमने फिर ऊंचाई चढ़ाई करनी शुरू की, फिर उसके बाद और सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? उसी ने किया था। कैसे? मैं तो कितनी घरेलू है शर्माने वाली हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ किसी को प्रपोज। क्या एक्चुअली तब ब्लैकबेरी बीबीएम होते थे तो बहुत क्लोज हो गए थे हम, ऐसा वाला क्लोज नहीं होता दोस्त वाला, कि घर भी एक साथ एक साइड पे था तो एक साथ जाना, खाना खाना मेरे घर से खाना ना, तो मैंने उसके लिए वेट करना, तो एक मतलब वेट करना कि आया नहीं अभी तक, आया नहीं घर से निकला, तो ये चीज़ें होने लगी थी, पता नहीं चल रहा था क्योंकि कभी प्यार नहीं किया था ना। किस चीज़ का हो रहा था कि आया क्यों नहीं सेट पे अभी, कब आएगा, लेट हो गया, उठाना सुबह उठ गया, चलो मैं निकलने लगी हूँ, तो ना पता ही नहीं था कि वो प्यार है, क्योंकि कभी प्यार किया ही नहीं किसी से, कॉलेज ख़त्म किया, स्पोर्ट्स में थी वो ख़त्म किया, इधर आ गई तो पता नहीं चला कि मतलब बॉयफ्रेंड थे ही नहीं कोई, तो उसके बाद उसका भी बेचारे का, वो तो नया नया जवान हुआ था, मैं भी कहता तो है पता नहीं अभी पिछले कितने होंगे, तो उसने आई लव यू लिखा, तो मुझे लगा वन लाइनर स्क्रिप्ट का है, तो आई लव यू फिर दिल ऐसे से वाला जो धड़कता ही रहता है ना वो वाला, मैं कह तो सीरियस ही हो गया, मतलब मैंने फ़ोन रख दिया भाई, मेरे को लगा मैं पढ़ रही हूँ पीछे पूरा पंजाब देख रहा है, क्योंकि कभी ऐसी ये चीज़ें की नहीं थी,
तो शाम को टेक्निकल था, मैंने जाना था, मैं गई, उसका मुंह नीचे लैपटॉप पे घुसा हुआ, मैं भी उसको लगा आके बोलेगी ए तेरे को अकल नहीं, तू है कौन, दो टके का राइटर तूने एक आर्टिस्ट को कैसे बोल दिया। वो इसीलिए डरा था कि इसने जवाब नहीं दिया, मतलब ना है तो अभी मेरी वाट है, मैं ऊपर से बोलूँ किसी ने सबको लड़के बता देना अरे भाई तेरी भाभी है, कर देते ना ऐसे। मुझे लगा कि इसने ऐसा तो नहीं कर दिया, पर उसने कुछ नहीं किया। कम से कम हमने 25-30 दिन बात ही नहीं की, मतलब आँखें नहीं मिलाते, स्क्रिप्ट भी वो ऐसे देता था आपकी स्क्रिप्ट है ये वो। फिर पार्टी हुई एक ऑप्टिमिस्टिक की, तो थोड़ा बात थोड़ा लगी हुई थे, थोड़ी हिम्मत आती ना सॉरी उस दिन के लिए, पर मेरे को अच्छा लगा था वो सॉरी भी, तो मेरे को था कि खुद बात तो करे, बट उसने फिर उस दौरान मुझे बोल दिया कहना मुझे शादी करनी है। तो मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी क्योंकि मुंबई में लड़के शादी के लिए सीधा नहीं बोलते, उनको होता है थोड़ा साथ में रहें, टाइम पास करें, एक दो साल देखें लड़की कैसी है, फिर जाके देखेंगे करना भी है कि नहीं। इसने सीधा शादी के लिए बोला, तो वो बात मेरे दिल में इतनी बस गई ना, मैंने बोला ठीक है करते हैं। उसने बोला थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे क्योंकि तुम्हारा लेवल यहाँ है मेरा यहाँ, कम से कम यहाँ तो करूँ मैं। फिर उसके बाद उसने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, फिर जितने भी मैंने कॉमेडी के बड़े बड़े शो किए सबका लीड राइटर था वो, क्रिएटिव डायरेक्टर था, तो मतलब उसने बहुत अपने आप को मेरी मतलब लेवल में लाने की कोशिश की, और हालांकि लाया भी। काफ़ी लोग बोलते थे कि जब हमारा पता चल गया था, अरे क्या बाइक में घूमती रहती है, टाइम वेस्ट कर रही है, खुद के पास मर्सिडीज़ है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जिसके साथ बाइक में घूमती हूँ एक दिन मर्सिडीज लेगा, और आज उसने मर्सिडीज ऑडी दोनों ले लिए भाई। लेकिन बाइक में घूमने का अलग मजा आता है। काफी रोमांटिक है ये, मतलब चिपक के बैठो है ना, हम बैठते नहीं थे, पीछे बैग रख लेता था वो, फिर ऐसे रहते थे थोड़ा। अच्छा, और गोवा में डेस्टिनेशन मीटिंग ऐसा बहुत है ना। वो तो है, अभी मैंने सुना दो दो गाड़ियां हो गई। गोवा में मुझे और हर्ष को गोवा बहुत पसंद है, और हम चाहते थे कि हम अगर शादी भी किसी को बुला रहे हैं ना, तो हम 3 दिन का हॉलीडे करें उनका, कि शादी तो है लेकिन छुट्टी मनाने आओ भाई 3 दिन। तो हम बहुत हमारा वो है कि मेरा इनविटेशन भी आपने देखा होगा कितना कूल है, मतलब बॉक्स देखते ही लगता है कि कहीं मतलब बीच वाली जगह पर शादी है, बहुत शेल वेल लगे हैं, नहीं बहुत कलरफुल है, बहुत कलरफुल, बीच में वाइन है ये वो, तो बहुत हम लोग आ भी रहे हैं क्योंकि उस समय आशिका की भी शादी है और लोग बंट रहे हैं, लेकिन जहाँ अहमदाबाद और गोवा की बारी आती है तो गोवा ऐसे निकल रहा है, तो काफ़ी लोग 1 तारीख को उसकी वाइट वेडिंग अटेंड करने के बाद 2-3 मेरे पास हैं, और कुछ इतने बेशरम लोग हैं, कृष्णा जैसे, मनीष पॉल जैसे, हमारे प्यारे प्यारे दोस्त जो 30 को ही आ रहे हैं, देखो हमने एक से किया है, देखो 30 को ही आ रहे हैं। हमने व्यूअर्स से पूछा था लास्ट टाइम जब लाइव गए थे कि उनको क्या लगता है कि शादी में कौन कौन सी डिशेस होने वाली हैं, क्योंकि गुजराती और पंजाबी है ना टेस्ट, तो क्या क्या होने वाला है, और संगीत पे किस किस की परफॉर्मेंस हो रहा है? संगीत पे चलिए आर्टिस्ट ज़्यादा हो गए हैं, टाइम कम है, और फ्री के आर्टिस्ट हैं सारे, और इतने सारे एंकर हैं बड़े बड़े, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं किस किस को क्या एंकर करवाऊँ। ये मनीष कहता मैं करूँगा, कृष्णा बोलता मैं करूँगा, सुदेश जी कह रहे, करण वाही बोल रहा मैं करूँगा, मतलब इतने सारे लोग होंगे, ऋत्विक वित्विक, तो मुझे लगता है कि एक तो फ्री के लोग हैं तो थोड़ा 15-15 मिनट सबको दे दूँगी, और पूरी फैमिली नाचने वाली है मेरी, तो पागल ही हुई लड़कियाँ सारी, रोज़ घर जाओ तो कोरियोग्राफर जरा सर पकड़ के बैठा होता है, क्योंकि बेचारी घरेलू औरतें हैं और नचाने में फिर भी ऐसे ही करेंगी वो, क्योंकि मैंने खुद बड़े शादी के शो किए हैं, जरा कोरियोग्राफर पीछे से देखता रहता था, वो हिलते ही नहीं थे, एक ही जगह पे करते रहते हैं, तो वैसा ही होने वाला, लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली पंजाब से आ रहे हैं, सब अपनी अपनी तैयारी करके आ रहे हैं, बाकी तो अपने जो टीवी वाले आर्टिस्ट हैं इनकी तो परफॉर्मेंस तैयार रहती है। तू तो ऑलरेडी, और खाने में? खाने में ऐसा नहीं कि गोवा में शादी कर रहे हैं तो गोवन डिश ज़्यादा होगी, बिल्कुल भी नहीं, पंजाबी फूड भी है, भटूरे चने भी हैं, और डोसा भी है, ढोकला नहीं है। और हर्ष को पंजाबी खाना बहुत पसंद है, वो घर में भी गुजराती खाना बनता तो वो खाता ही नहीं है, तो उसको गोभी के परांठे, बैंगन का भरता, आलू गोभी, ये चीजें पसंद है, मतलब उंधियो, ढोकला जो मशीनों के नाम है ना, ये उसको बिल्कुल नहीं पसंद। और आपको खाने में क्या पसंद है? यार लड़का सीरियस ही हो गया, आपको खाने में? मुझे पंजाबी खाना बहुत पसंद है, जैसे राजमा चावल, कड़ी चावल, पराठे, ये बहुत पसंद है, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से मैं खा नहीं रही हूँ। क्यों? डाइट पे ना, चावल और रोटी नहीं खा पा रही, सब्जियाँ खाती हूँ मैं, और मेरे घर वाले पाप लगेगा इनको, जब आपकी बच्ची सुबह सूप पी रही है तो आप व्हाइट बटर के साथ गोभी पराठा कैसे खा सकते हैं यार,
बंदा होता है ना कि नहीं यार इसके सामने मत खाओ, एक पेशेंस होता है उसके सामने नहीं खाना चाहिए, पेशेंट के सामने खा रहे हैं। आपकी बातों पर तो हम सब हंस ही रहे हैं, सब पूरी दुनिया हंस रही है, आप किसकी बातों पर हंस रहे हैं? मैं अपनी मम्मी की। मम्मी, आपकी मम्मी बनी है? बहुत बहुत बनी है मेरी मम्मी, तो प्योर वहीं से आया। बहुत बहुत, मतलब आज भी चाहे इतना कुछ कमा लिया है, कर लिया है, खरीद लिया है, लेकिन आज भी असली खुशी तब मिलती है उनको जब कहीं सस्ती सब्जी मिलती है, जाती है तो धनिया फ्री मिलता है ना। हाँ। ओ हो, आप इतनी बार बोलेंगी ना घर आके, धनिया फ्री लेता, फ्री दे दा धनिया ने, इन्नी की हरी मिर्ची भी पाती तो तब मम्मी मर्सली देती, चल छड़ धनिया फ्री मिलिया, तो ऐसी वाली मम्मी है। तो मैं चाहती हूँ कि भगवान करे सारी उम्र ऐसा रहे, क्योंकि उनको नहीं पता है ये शोहरत पैसा, उनको वही अचार काट के थोड़ा सा अचार डाल दिया, थोड़े नींबू का अचार डाल दिया, थोड़ी सी आलू मेथी बना ली, थोड़ा बैंगन का बर्तन, तो वो ऐसी वाली हैं, तो ऐसी ही रहे वो। जब रिलेशनशिप जो रहते हैं आप, जैसे शादी के टाइम से पहले आप काफ़ी टाइम से साथ में हैं, तो आपस में रूठना मनाना तो चलता है, कौन रूठता है कौन मनाता है? अक्सर मैं ही रूठती हूँ और फिर मना लेता है वो। कैसे? बड़े मंदिर यार मना कर सॉरी, फिर मुझे तरस आ जाता है, पता जो जिनको चश्मा लगा होता है ना उन पर बड़ा तरस आता है मुझे। अरे यार सॉरी, गलती होगी, उसकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो राइटर है तो वो उसी जोन में रहता है, कभी गाड़ी चला जाता है ना आपस में अकेले बात करने लगता है तो मैं डर जाती हूँ कि लड़का पागल तो नहीं है, तो फिर अच्छा उसने कहा फिर आइए, तो मैं क्या नहीं मैं अपना बोल रहा हूँ, तो ऐसा कभी कभी रिकॉर्डिंग पे करता रहेगा अपनी स्क्रिप्टों की, तो फिर मैं मुझे है कि अगर वो मुझे समझता है तो मुझे समझना चाहिए, तो मैं समझ गई उधर को। और वो राइटर है तो बहुत सारी लाइंस लिखते हैं आपके लिए, अच्छी अच्छी बहुत सारी लाइंस। हाँ, कचरा मत यहाँ फेंकिए, दीवारों पे काफी लिखते हैं वो, यहाँ सुसु करना मना है। नहीं नहीं ऐसे वो राइटर नहीं है, बहुत सारी लाइनें लिखी है उसने, बहुत सारे गाने भी लिखे हैं और बहुत चीज़ों पे काम भी करते रहते हैं वो। वो मुझे लेके बहुत सोचते हैं कि भारती एक स्टेप अभी ऊपर जाना चाहिए, अभी अपने को ये हो गया, अभी ये करना चाहिए, तो कभी कभी उसकी बातें मेरे ऊपर से निकल जाती हैं, तो मैं करती हूँ हाँ अरे यार तू सीरियस, चल जान दे, उसको ऐसे होता है, लेकिन मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी शादी है मैं बड़ी बिजी हूँ, उसको लगता तू तो पागल ही होगी शादी के पीछे। आपको प्यार से क्या बुलाते हैं? भालू। ओ भारती, भारती बुलाते हैं। हाँ, मुझे ऐसे मेरा पेट खींचता रहता है, गाल खींचता रहता है, बोलता आजकल हाथ में भी नहीं आ रहा तू पतली हो गई है ये वो, मेरे को पांडे, मेरे को मेरा दिल करता है कभी तेरे को वाइट करके तेरे यहाँ पे काला कर दो, वो पांडे नहीं होते, तो कहता मैं वैसा देखना चाहता। कौन कौन पति बोलता है अपनी बीवी को कि पांडा देखना चाहता है? बोलता तू हॉट हो, साड़ी पहन, ऐसा वाला ब्लाउज पहन, कहता पांडा देखना चाहता हूँ। किसकी बीवी इतनी क्यूट होती है? चलो हो गया ना अभी कि उधर हो जाता है, हर कोई थोड़ी लकी होता है। अच्छा, आपकी एक वेब सीरीज आने वाली है, उसके बारे में कुछ? हाँ, मुझे लगा मैंने कोई गलत कर दिया। नहीं, वेब सीरीज आने वाली है। जी हाँ, मैं तो चाहती थी पूरा देश मेरी शादी में शामिल हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि आप लहंगा से लेकर ज्वेलरी तक सब रिवील कर दी, क्यों छुपाऊँ मैं? मैं हंसाती हूँ, आप सबका स्ट्रेस दूर करती हूँ, खुश करती हूँ, तो आप ये चीज़ें देख के खुश होते हो, और मैं आपके लिए जो भी करती हूँ कि आप मेरी फैमिली हो, तो फैमिली से कभी कोई चीज़ें छुपाई नहीं जाती, चाहे वो लहंगा हो, चाहे पति हो, और चाहे गले का हार हो, मैंने सब दिखा दिया यार। लोग बोलते हैं अरे मत करो रिवील अभी, बाद में क्या यार, मतलब मैं वो हुई नहीं कि छुपा छुपा के चीज़ें रखूँ, शादी वाले दिन दिखाऊँगी बस, ऐसा नहीं। देखो यार सब खुश होने चाहिए कि भारती, और इतने सारे फैंस हैं जो मेरे फेसबुक अकाउंट पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जैसे मैंने लहंगे का फोटो डाला बैठे हुए का, तो मेरा फुल मेकअप करके, दुपट्टा उड़ा के, ऐसे वाले फ़ोटो करके ना क्रिएट वो करके भेजे, तो किसी पे आप एक डेढ़ घंटा लगा रहे हो तो मतलब कितना प्यार करते हो आप। बहुत सारी दीदी ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा, इतने सारे, मैं काफ़ी आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी लोगों को जवाब नहीं दे पाती, बहुत सारे लोग मैसेज भी लिखते हैं दीदी एक बार बोलो तो सही, तो उन सबको हाय, और जितने कितने मतलब 600-700 लोगों ने, अगर मैंने किसी कपड़े का फ़ोटो डाल दिया ना, तो वो कपड़े को मेरे ऊपर लगा के उन्होंने पूरा फोटो बना के मुझे भेजा है कि ये पहन रहे हो, ये पहन रहे हो, तो थैंक यू सो मच यार, मुझे पता चलता है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो सारी चीज़ें आपको दिखा दी, और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरी शादी में शामिल हो इस वेब सीरीज़ के ज़रिए जो मैं बना रही हूँ, ऑनबोर्ड लाइव पे जाएगी, ये एक यूट्यूब चैनल है ऑनबोर्ड लाइव, और भारती की हल्दी कैसे हुई, बैंगल सेरेमनी कैसे हुई, माता की चौकी कैसे हुई, गोवा में कौन पीपी के गिरा, किसने दंगे किए, हल्दी पे पंजाब की सालियों ने अर्श को कितना छेड़ा, वो सारी चीज़ें आप
भारती की बारात हैशटैग भारती की बारात जो मेरी वेब सीरीज़ है ऑन बोर्ड लाइव पे आप उस पर देख सकते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बहुत सारा आशीर्वाद और ब्लेसिंग दीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया शो शुरू होता है तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए, नई लाइफ शुरू करने जा रही हूँ तो आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है। आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। उठना तो खड़े तो नहीं खेलने के लिए, रैपिड फायर क्वेश्चंस है तो आपको दोनों में से कोई एक आंसर देना है जो आपका मोस्ट फेवरेट है। बोलो जी। आपका फेवरेट प्लेस गुजरात और पंजाब? पंजाब। और आपकी फेवरेट डिश? बटर चिकन और ढोकला। अच्छा, मैं खुद ही बोली जा रही ढोकला नहीं बटर चिकन। आपका फेवरेट शो? झलक दिखला जा और लाफ्टर चैलेंज। लाफ्टर चैलेंज। और फेवरेट स्पोर्ट्स? रेसलिंग और क्रिकेट। रेसलिंग। क्रिकेट किस एंगल से लगता है? मैंने क्रिकेट सोचा हुआ था। नहीं नहीं, रेसलिंग जो अपनी सेहत वाले करते वही पसंद है। आपका फेवरेट बॉलीवुड कॉमेडियन? जॉनी लीवर जी और परेश रावल जी। जॉनी लीवर जी। और आजकल जो हमारे नए नए कॉमेडियंस आ रहे हैं उनके बारे में आपको क्या कहना है, जो नए नए टाइप की कॉमेडी कर रहे हैं? अच्छे हैं, मुझे लगता है कि हम थोड़ा स्क्रिप्ट से हटके थोड़ा नेचुरल करें तो ज़्यादा फन आता है, क्योंकि बहुत सारी कॉमेडी यार हमारे घर में है। अभी मैंने मम्मी की बात बताई, मर्सिडीज ले ली 1 करोड़ की, उनको नहीं फर्क, धनिया एक गुच्छी मिल गया खुश उसी में। तो ये हमारे आसपास ही कॉमेडी है, हम चीज़ें ऑब्जर्व करें ना कि पेपर पे जाएं ज़्यादा। सही। और आपकी फेवरेट स्वीट डिश? रबड़ी और श्रीखंड। रबड़ी। चलो एक चीज़ है हमारे साथ। और आपका फेवरेट ड्रिंक? लस्सी और छाछ। विस्की। और है इस बार छाछ। इस बार छाछ। लाफिंग कलर्स की पेज पे सब्सक्राइबर्स कितने हैं? कितने? 30 मिलियन। अरे वाह, देखा हमारा पेज कहाँ कहाँ फेमस है सबको पता है। 20 मिलियन तो मैंने किए नहीं नहीं यार, 30 मिलियन बोलने में आसान है लेकिन लोगों को अपनी तरफ खींचना, उनकी पसंद बनना बहुत मुश्किल है। तो मतलब यार मेरे कब होंगे 30 मिलियन? बहुत जल्दी। कब? चुप रहो तुम। थैंक यू यार। और मैं प्रोमिस करूंगी कि शादी के बाद मैं और हर्ष एक बार फिर से लाफिंग कलर के स्पेज पे लाइव जाएं, ताकि हमारे बहुत सारे फैन बढ़े यार। 30 मिलियन कैसे मलिक? बस इनकी दुआ है। 30 मिलियन कैसे हुए? हाँ, एक आप लल्ली भी कर, प्लीज करके। किसने कहा? लल्ली करके। फैंस नहीं है हमारे जो? तो ये भी आपके फैन है। भारती की शादी होने वाली है, आप सब उसकी हैशटैग भारती की बारात देखना, यूट्यूब चैनल है ना ऑन बोर्ड, उस पे। हल्दी कैसे लगी, कितना पिया बेवड़ी ने, किससे किससे झगड़ा किया, सब उसमें दिखाएंगे। पहला एपिसोड 27 को हो रहा है, देखना। और मैं चिंटू जा रहा हूँ इनकी शादी में। थैंक यू।